श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। साबर मंत्र का एक खासियत है, साबर मंत्र में देवी देवताओं के साथ गुरु को बहुत भाव दिया जाता है। भाव दिया जाता है मतलब गुरु को, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव, वो तो एक विषय हो गया, लेकिन यहाँ पर पावर के दृष्टिकोण से, यहाँ पर जो तंत्र है उसमें सिर्फ ये नहीं कि नारायण को दिखा दिया गुरु ने, गुरु को भी नारायण के जितना ही ताकतवर माना जाता है। इसीलिए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, मतलब मेरी जो शक्ति है वो गुरु की भक्ति में है, और मैंने जो किया, जो सही किया, जो गलत किया, वो गुरु पे जाए। मतलब साधना सही की, गलत की, तंत्र सही किया, गलत किया, जो भी किया वो सब गुरु पर चला जाए, ऐसा हम लोग साबर मंत्र में बोलते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को माँ लक्ष्मी का विधान बता रहा हूं, इसमें माँ लक्ष्मी का तंत्र प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है, जिसमें आप एक यंत्र बनाएंगे, उस यंत्र को जागृत करेंगे, उस यंत्र को घर पर रखेंगे, और इस यंत्र को जागृत करके माँ लक्ष्मी से धन के आपके घर में व्यवस्था कराने का काम आपके गुरु का है। ठीक है, गुरु अगर इस जन्म का नहीं हो तो पिछले जन्म का होगा, कुल का गुरु होगा, जो भी गुरु होगा उस गुरु के मध्य ये पूरा तंत्र। ठीक है, तो देखो इसमें क्या चाहिए होती है, जो यंत्र होता है वो आपके घर के मध्य में या फिर किसी खुले स्थान पर उसको लटका दिया जाता है। उसके लिए आपको चाहिए एक नारियल जटा वाला जिसमें जल हो, एक लाल चुनरी, एक मुट्ठी पीला चावल, मतलब चावल ले लेंगे जो टूटा ना हो और उसको हल्दी से रंग देंगे, एक मुट्ठी लाल चावल, मतलब वही बिना टूटा हुआ चावल लेंगे उसको रोली से रंग देंगे, एक सिक्का, अगर चांदी का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नॉर्मल सिक्का, पांच सुपारी जो पान के साथ खाते हैं वो, और रंगा हुआ धान, लाल रंग में धान को रंग लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चुनरी है उसको बिछाएंगे अपने वाम ओर, मतलब अपने बाएं ओर जो है आप लाल रंग का एक मुट्ठी चावल गिरा देंगे। ठीक है, और अपने दाहिने ओर पीले रंग का जो चावल है वो गिरा देंगे। मध्य में उस चुनरी में आप जो धान है रंगा हुआ वो रखेंगे, उस धान के ऊपर पांच सुपारी रखेंगे, बीच में एक सिक्का रखेंगे, उसके ऊपर आप नारियल रख देंगे। ठीक है, और ये पूरा व्यवस्था आपको एक चौकी पर करनी है। ठीक है, ये साधना जो है माँ लक्ष्मी की, आप किसी भी मंगलवार से शुरू करके अगले मंगलवार तक कर सकते हैं। तो पहले जो यंत्र बना रहा है उसमें क्या क्या सामग्री लगी आपको, एक लाल चुनरी, एक नारियल, एक मुट्ठी पीला चावल, एक मुट्ठी लाल चावल, एक सिक्का, पांच सुपारी और रंगा हुआ धान। बाईं ओर एक चौकी लेंगे, उसमें बाईं ओर चुनरी को बिछा करके उसके ऊपर लाल चावल रखेंगे, दाहिने ओर अपने पीला चावल रखेंगे, बीच में धान रखेंगे, उस पर पांच सुपारी सजा के रखेंगे, बीच में एक सिक्का डालेंगे, उसके ऊपर नारियल रख देंगे। ठीक है, यंत्र आपका तैयार हो गया। अब क्या है कि इसको रख करके श्री, सिर्फ श्री शब्द का, श्री श्रिम और क्रिम कुछ नहीं, श्री शब्द का पांच माला जाप करेंगे। ठीक है, पांच माला जाप करके इसके आठों कोनों को बांध देंगे तो ये यंत्र का जो है पहला स्टेज पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो वो चौकी खाली होगी फिर लाल कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है, उस पर एक मिट्टी का कलश रखेंगे, उस कलश में जल डालेंगे, एक पान का पत्ता डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे और एक आम का पल्लव, पल्लव मतलब पांच, जो पांच जिसमें पत्ते हो या सात पत्ते हो, नौ पत्ते हो, वैसा डाल देंगे और उसके ऊपर से ये जो यंत्र बना रखा है उसको रख देंगे। ठीक है, अब जो है
पूजा के लिए हमारा स्थान तैयार हो जाएगा। किसी भी मंगलवार को इसको शुरू करके एक सप्ताह करेंगे, अगले मंगलवार को इसका हम लोग हवन करेंगे, ठीक है। इसमें 7 दिन आपको मांसाहार नहीं करना है, ठीक है। पूजा आप सुबह में करेंगे, स्नान करके करेंगे, निराहार होके करेंगे, मतलब जब तक आप पूजा करेंगे तब तक आप किसी भी तरीके का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। मूल मंत्र मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जब ये पूजा आप करेंगे तो जो मंत्र आपको मैं बताने वाला हूँ उसका 7 माला जाप होगा, लेकिन दिन भर में जब भी आपको समय मिलेगा तब तब आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। जो यंत्र आपको बताया वो एक बार तैयार हो गया, कलश के ऊपर आपने उसको रख दिया। अब उसको उसके सामने घी का एक दीपक रखेंगे और हे माँ मैं आवाहन करता हूँ कि जब तक मैं जाप करूँ तुम यहाँ पर स्थित रहो, ऐसा बोल करके आप दीपक जला लेंगे। धूप जलाएंगे, अगरबत्ती हो या फिर गूगल हो, कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा इत्र जो है रोज आप उस कलश पे चढ़ाएंगे, थोड़ा सा रक्त चंदन आप उस पर चढ़ाएंगे और अंतोगत्वा आप उस पर चढ़ाएंगे पुष्प, ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आप इनकी ही पूजा करेंगे अगले 7 दिन तक, ठीक है। अब मंत्र सुनिए, मंत्र मैं 3 बार आपको बताऊंगा। साबर मंत्र है, हिंदी है तो बहुत दिक्कत नहीं है। ओम नमो गुरुजी को आदेश, ओम नमो गुरुजी को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, गुरु गुरु ओम गुरु, सत का मार्ग दिखाए गुरु, धन लाओ मान लाओ लक्ष्मी घर वास कराओ, ओम श्री 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 हुम फट स्वाहा। ओम नमो गुरुजी को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, बहुत जगह 84 सिद्धन को आदेश भी लिखा हुआ है। गुरु गुरु ओम गुरु, सत का मार्ग दिखाए गुरु, धन लाओ मान बढ़ाओ लक्ष्मी घर वास कराओ, ओम श्री 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 हुम फट स्वाहा। एक बार पूरा मंत्र एक साथ, ओम नमो गुरुजी को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश, गुरु गुरु ओम गुरु, सत का मार्ग दिखाए गुरु, धन लाओ मान लाओ लक्ष्मी घर वास कराओ, ओम श्री 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 हुम फट स्वाहा। ये कानिफनाथ परिवार का मंत्र है, ठीक है, कोई बनावटी मंत्र नहीं है, जैसा बहुत सारा आजकल नाथ संप्रदाय का किताब साबर मंत्रों की किताब में रहता है, और बहुत उपयोगी मंत्र है, बहुत बार यूज़ किया हुआ मंत्र है। इस मंत्र को यूज़ करने से पहले के प्रयोग से पहले आप अगर गणपति का मंत्र कर ले, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा, गुरु का मंत्र कर ले, मतलब गुरु मंत्र कर ले, अगर गुरु नहीं है तो ओम ध्याय शीर्ष शुक्लम भजम दो नेत्रम दो भजम गुरु श्वेतांबर परिधानम श्वेत माल्यन लिप्नम वारभ्यम करस्तम करुणा में विग्रह मामे नोत्पन्नम ध्यायी शक्ति अलंकित विग्रह सुप्रसन्न साधक अभिष्ट फलदायक तस्मय श्री गुरु नमः। इस मंत्र का जाप कर लिया, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्ट गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, मतलब गुरु का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से गुरु को प्रणाम कर लें, नवग्रह को प्रणाम कर लें। ये 3 अगर करके आप फिर इस मंत्र को करेंगे और मंत्र करने के बाद ओम ब्रह्म भैरवाय नमः भैरव जी का 1 माला जाप करेंगे, अगर दक्षिण की तरफ आप मुख करके पूजा करेंगे तो ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः का जाप करेंगे। ये मंत्र दक्षिण और पूरब दोनों के तरफ लागू होता है। 7 दिन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप इस यंत्र के सामने बैठ करके हवन करेंगे, ठीक है। हवन आम की लकड़ी से होगी, गांठ वाली लकड़ी नहीं होगी, 9 लकड़ी से हवन होगी, योनि हवन कुंड होगा जो मैंने पहले वीडियो में सिखाया है। हवन में जो है आप घी मधु इत्र ये 3 चीज़ें दे सकते हैं, घी मधु इत्र, और कोई हवन सामग्री नहीं होगी। गिन करके 108 बार जाप करेंगे, दशांश हवन इसका नहीं करेंगे, 108 बार जाप करेंगे। रात भर उस पूरा जो व्यवस्था है उसको छोड़ देंगे, सुबह किसी और के देखने से पहले हवन कुंड को साफ करके हटा देंगे, जो कलश है उसको हिलाएंगे, जो यंत्र है उसको घर में जहाँ टांगना है वहाँ टांग देंगे, और जो जल है उसको कहीं ज़मीन में प्रवाहित करके उस मिट्टी के बर्तन को कहीं नदी में आप लोग डाल देंगे। इतना करने से ये जो यंत्र है 41 दिन तक आपके घर में काम करेगा और आपके घर में जो भी धन की समस्या है उसको ये ठीक कर देगा। अगर आपको लगे कि और इम्प्रूवमेंट की आपके घर में ज़रूरत है तो फिर इसी यंत्र को पुनः आप 41 दिन के बाद बनाए, मतलब फिर से बनाएं, 42वें दिन इस यंत्र को टांगने के बाद इसको फिर से जल प्रवाहित कर दे। आम तौर पर एक बार करने से ही घर में जो भी
धन की समस्या है वो दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि इसको 3 बार बनाना पड़ता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा ना बनाए। अगर 3 बार से ज़्यादा बनने की ज़रूरत पड़ रही है तो गायत्री मंत्र का घर में जाप करें, तो फिर किसी तरीके का एनर्जी डिस्टर्बेंस घर में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा वेबसाइट है www.अघोरतंत्ररहस्य। आगामी कार्यक्रम जानने के लिए आप इस पर आ सकते हैं, या फिर जो कोर्सेज है उसके डिटेल्स के लिए भी आप इस पर आ सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती लक्ष्मी आप सभी पर धन बरसाते रहे, गुरु कृपा आप पर है, ऐसी मेरी कामना। आप सभी को आदेश होते चला खादेश।